हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्यू डिजिटल क्लासेस। आई एम अनुप्रिया नामदेव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय वीडियो लेक्चर ऑन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड विद द इंट्रोडक्शन। सो एज यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड इन थ्री एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स नंबर वन is understanding and aspect number two is prediction and aspect number three is management of organizational behavior. That means if you are working in organization that you have to maintain your individuality, your opinion and your futuristic power. It's called prediction. So we will study about that on the basis of human nature at the point of understanding and prediction. It's called futuristic approach. So let's take it next slide. Importance of OB. We will discuss in importance. First of all, I want to say कि importance is like कि क्या इसके महत्व हो सकते हैं organizational behavior में as human aspect पे आप इसके क्या क्या importance check कर सकते हो. So first of all हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड द कंपनी. एम्प्लॉय एंड द कंपनी इज लाइक हायर अथॉरिटी टू लोअर सब यूनिट्स. सो इन दिस स्लाइड वी कैन से द प्रेडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड. एज वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑल ओवर द इंडिविजुअलिटी एंड ग्रुप परफॉर्मेंस. इन दिस वी कैन से द प्रेडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इज लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी काइंड कॉमन टॉपिक एंड कॉमन टास्क दैट यू हैव टू अचीव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंसिंग एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज वेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन कॉमन गोल इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस दैट यू हैव टू मेक श्योर योर परफॉर्मेंस शुड बी एफेक्टिव एंड कम्युनिकेटेड वे. नेक्स्ट वी कैन हेल्प द प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड अप्लाई द अचीव गोल. इट मीन्स इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इट विल बी गोल एंड इट विल बी एनी काइंड ऑफ टास्क एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा आउटर एक्टिविटी देन यू हैव टू फोकस ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल लाइक आप किसी काम को करने के लिए आगे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि उसमें सिक्वेंसिंग पावर ऑलवेज मेंटेन रहे. सिक्वेंसिंग पावर को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पर्पस से हायरार्की बोलते हैं. जो हायरार्की होती है, हायरार्की जो आपकी चलती है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच से चलती है. टॉप टू बॉटम अप्रोच आपकी होती है जिससे जो आपका टॉप लेवल ऑथराइजेशन होता है यानी जो आपकी हायर अथॉरिटी होती है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पावर पर डिपेंड करती है और जो लास्ट का आपका बॉटम अप्रोच रहती है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच रहती है. साइकोलॉजिकल अप्रोच आपकी डिवाइड होती है आपके क्रिएटिव थॉट प्रोसेस से एंड और डिपेंड होती है आपके इनोवेटिव आइडियाज से. सो इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी ऑन ओनली इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू मेक द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी. कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी में हम देखेंगे इसमें जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो उसके टू बेसिक की एलिमेंट्स हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं वो नेचर ऑफ पीपल है. नेचर ऑफ पीपल का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टीम परफॉर्म कर रही है तो उसके उस टीम के बिटवीन जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट ना हो. अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए तो आपका जो पर्टिकुलर गोल है जो आपको अचीव करना है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन आप अचीव नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ ये मतलब है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो. लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो दैट यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन. अगर आप आईटी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो दैट यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट विद द डिजिटल अपग्रेडेशन. एंड नेक्स्ट नेचर ऑफ पीपल. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा
नेचर ऑफ पीपल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द पर्सन, क्वालिटी ऑफ द पर्सन इज लाइक एक इंडिविजुअल पर्सन की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसमें वर्किंग स्किल्स कैसे हैं, उसका थॉट प्रोसेस एंड उसके लॉजिकल रीजनिंग कैसे हैं, वो आपकी डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो। क्योंकि एट द एंड आपको जो टास्क परफॉर्म करना है वो आपके क्रिएटिव थॉट प्रोसेस से ही वर्क करेगा एज पर इंडिविजुअल। एंड सेकेंडली देखेंगे ये इंडिविजुअल जो थॉट प्रोसेस होती है वो सिमिलर भी हो सकती है एंड यूनिक भी हो सकती है। सो देयर आर सिमिलर एंड यूनिक ऑल्सो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ नेचर बट वी विल डिस्कस हियर ओनली फोर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक हायर अथॉरिटी टू लोअर एलिमेंट्स, वी कैन से इट द एम्प्लॉय, द ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। सो इन दिस पार्ट वी कैन एनालाइज कि अगर टास्क कोई या कोई भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है या हायर अथॉरिटी से आपके लिए कोई भी टास्क आ रहा है तो आपको एक हायरार्की फॉलो करनी है। हायरार्की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है जिसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स पे ह्यूमन नेचर के बेसिस पे एनालाइजेशन करना है और अपने गोल अचीव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लिए, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू हो वो भी हाई करे, प्लस आपके जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको भी हमेशा मोटिवेट रहने की कैपेसिटी मिले। सो सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी, एज यू कैन से द मल्टी, मल्टी लाइक वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर। आप देखते हैं कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने क्रिएटिव माइंड को लगा के सिर्फ वर्क प्रोफाइल पर फोकस ना करके एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी वो फोकस करते हैं। लाइक जैसे आप किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क करोगे तो वहाँ पर वीकेंड्स पे आपकी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है। एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म होती है, वो एनालाइजेशन होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो ओनली वर्क फोकस्ड है या फिर एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं उसमें भी एक्टिव है। तो ये चीज़ें एनालाइज भी करती हैं और डायग्नोस भी करती हैं। एट द एंड आपका रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप मूव ऑन या स्वैप करते हो अदर सिटी में या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन में, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस योर रिज्यूमे। एंड ऑल्सो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है ताकि आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी मोटिवेट पर्पज से वर्क कर सको एंड वहाँ के भी गोल्स आप अचीव कर सको। नेक्स्ट, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट आपको डिफाइन करेगा टेक्नोलॉजी और कला से। साइंस आपको डिफाइन इस तरीके से करेगा कि जो भी आपकी अभी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बूम पोजीशन पर वर्क कर रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए हमेशा वर्क करेगा आपका साइंस यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हमेशा आपके प्लेटफॉर्म को हाइप करता रहेगा। तो ये वर्क आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में कभी वर्क कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर ओनली फोकस होना चाहिए उस सेक्टर के लिए कि जहां आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के साथ साथ आपकी मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की और कंपनी की ऑलवेज इंक्रीज हो। तो उसके लिए आपको आईटी सेक्टर में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप सोशल मीडिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बट आप अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। जो आपके कस्टमर्स हैं, कुछ चीज़ें आप देखते हो कि वो सोशल मीडिया पे इतना इंटरेस्ट लेके आपको नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी जो विजुअलाइज होके वो इम्पैक्ट डाल देती हैं और वो उससे रिस्पॉन्स निकाल लेती हैं। तो दैट्स वाई हम देखेंगे कि यहाँ पे साइंस एंड आर्ट का क्या रोल प्ले होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एम्प्लॉय वर्किंग स्किल। टोटल सिस्टम अप्रोच होती है। टोटल सिस्टम अप्रोच में क्या होते हैं, ऑल द टाइप ऑफ अप्रोच यू हैव टू मेंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन। आप कितने क्रिएटिव हो, आपकी आइडियोलॉजी कैसे वर्क करती है, आपका प्रेडिक्शन पावर कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है,
और लास्टली जब आप देखते हो कि आप एक सराउंडिंग में वर्क करते हो, तो उस सराउंडिंग में वर्क करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी फील होती है, दैट यू कैन नॉट सफर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू मेंटेन ऑल द अप्रोचेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं अभी इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, ये आपके बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ ही देख रहे हैं। तो आपको नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के थ्रू आपके एम्प्लॉय का क्या स्टैंड होना चाहिए आपकी कंपनी के लिए, कि आपकी कंपनी में जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही है वो ऑलवेज मेंटेन रहे, और ये आपका एक मिरर रिफ्लेक्शन देता रहता है। जब आपकी कंपनी मार्केट में उतरेगी और रिफ्लेक्शन देखेगी कि अदर कंपनी इस प्रोफाइल पे और इस लेवल पे, इस एस्पेक्ट पे वर्किंग कर रही है, दैट आपको एक मिरर रिफ्लेक्शन होगा दैट वी हैव टू ऑल्सो डू दिस। सो दैट्स व्हाई ये देख सकते हैं आप अपनी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ये टोटली आपके ह्यूमन एस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के आपके काफ़ी एस्पेक्ट होते हैं जिनको मैंने डिवाइड किया है, लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड एथिक्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल थिंग। फॉर्मल इज लाइक यू कैन ऑल्सो सपोज दैट फॉर्मल इज जनरली व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव टू बिहेव इन फॉर्मल एंड प्रोफेशनल वे। सो देयर आर यू कैन सी द पीपल आर इन वर्किंग इन फर्म दैट यू हैव टू बिहेव इन फॉर्मली। लाइक एग्जाम्पल, एनी सक्सेस पार्टी ऑफ योर प्रोजेक्ट दैट यू ऑलरेडी अचीव्ड, सो दैट काइंड ऑफ पार्टी इंक्लूड इन फॉर्मल्स। एंड नेक्स्ट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बिहेवियर लाइक एनी सर्किल दैट इज रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, बट they are always enjoying outer side, but outer side include also birthday party with regarding your colleagues. So you are meeting outer side, but it will also include in informal way. So you can see that enjoying party and chilling and all, the birthday party is related to also you can say your boss and your colleagues and your other employees. Mutual interest, we can see the basically mutual understanding between organization and employees that will help for respected object. Like you can say the हम कैसे अपना बैंक में मनी सेव करने के लिए या मनी डिपॉजिट करने के लिए बैंक से म्यूचुअल डिसीजन लेके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट का, कि आप अपनी चीज़ों को किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में सेव करने के लिए किस तरीके से आगे आते हो और ट्रस्ट जनरेट करती है अदर कंपनी, दैट आप उस पर फिर वर्क करते हो और आपको जो अचीव होता है वो होते हैं आपके मॉनेटरीज। सो आप इस एस्पेक्ट पे अगर देखोगे तो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट होता है। एथिक्स, वी ऑल नो वेरी वेल एथिक्स इंक्लूड इन मोरल वैल्यू। सो मोरल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फॉलो द एम्प्लॉय एंड देयर एथिक्स। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वो कर रहे हो दैट यू हैव टू फॉलो योर एथिक्स, योर नॉर्म्स, योर इंडिविजुअलिटी, एंड इट विल फोकस आपके वर्क प्रोफाइल पे। तो हमेशा आपको अपने एथिक्स को, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और ये भी आपका एट दी एंड मेजर होता है जब आप लास्टली एकोमोडेशन की तरफ जाते हो। तो अभी आप देखेंगे मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बेसिकली आपके वेरियस काइंड ऑफ मॉडल्स होते हैं, बट फर्स्टली हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो आपके एस्पेक्ट जो होंगे वो होंगे प्रॉब्लम रिजॉल्विंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर ह्यूमन एस्पेक्ट। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल इज डिफाइंड एज, इसमें सीधा आपका जो हायर अथॉरिटी होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो उनके हाथ में होगी। अगर वो किसी डिसीजन को ऑलरेडी बना देते हैं तो ऑल द एम्प्लॉय विल फॉलो द
क्राइटेरिया, और उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्क प्रोफाइल कैसी होगी और आपका वर्किंग स्टाइल कैसा होगा. इफ़ यू आर गिवन टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हो वो गोल को अचीव, दैट एस्पेक्ट आपकी जो वर्क करेंगे वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एट्सेट्रा, यानी आपके सारे एस्पेक्ट पे आपको एनालाइज किया जाएगा. साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज योर आइडियोलॉजी एंड क्रिएटिव माइंड एंड क्रिएटिव थॉट प्रोसेस. सोशियोलॉजी इज लाइक समाजीकरण, जैसे आप बाहर सोशलाइज होते हो तो उस एस्पेक्ट पे भी आपको देखना चाहिए. सोशियोलॉजी यहाँ पे डिफाइन करेगा आपके टीम वर्क परफॉर्मेंस को, कि टीम में आप इंडिविजुअल ओपिनियन कैसे पुट कर रहे हो. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज डिफाइंड एज ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन थॉट प्रोसेस. और अगर आप किसी ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो आपके एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूडेड होगी. इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो जल्दी रिजॉल्व होंगी और आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में अचीव हो जाएगा. ओके, सेकेंडली आपका जो होगा वो सपोर्टिव मॉडल होगा. सपोर्टिव मॉडल होता है कि आपका जो हायर अथॉरिटी में पैनल है, यानी आपके जो सीनियर अथॉरिटी हैं वो क्या होंगे, वो आपके दोनों साइड वर्क करेंगे. लाइक कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेकआउट होगा और सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ साथ आपका वर्क प्रोबेबिलिटी भी चेकआउट होगी कि आप कितने कैपेसिटी से अपना वर्किंग स्किल को सीरियस ले रहे हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजेरियल ओरिएंटेशन. मैनेजेरियल ओरिएंटेशन यही होता है कि आप अपने वर्क को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, और वर्क फॉलो करने के साथ साथ जो आपको आपके जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन के लिए रिवार्ड्स, एप्रिशिएशन एंड इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सपोर्टिव थ्योरी में आते हैं. आप हमेशा अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहते हो और आप अपने चीज़ों को एनकम्प्लीस कर सकते हो. नेक्स्ट जो देखेंगे वो कॉलेजियल मेथड है. कॉलेजियल मेथड आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. कॉलेजियल मेथड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो हायर अथॉरिटी हैं वो आपके बिहेवियर को ऑलवेज एनालाइज करेंगे कि आप अपने वर्क से और आप अपने इंसेंटिव यानी रिवॉर्ड एप्रिशिएशन जो आपको प्रोवाइड हो गए हैं उनसे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्यों नहीं हो उसका एनालाइजेशन किया जाएगा, और अगर हो तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा. मोटिवेट करने के साथ साथ आपको जो भी टास्क दिए गए हैं अगर आप उनको इजीली ऑब्टेन कर रहे हो यानी एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस पर भी आपको एनालाइजेशन किया जाएगा. इफ़ यू आर अनेबल टू डू योर वर्क दैट आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी यानी फुलफिल नहीं होगी तो आप क्या रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे और आप अपने टारगेट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई आपके लिए कॉलेजियल मेथड बनाया गया है. एक ये थ्योरी इसलिए बनाई गई है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी अचीव होता रहे इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ओबी. ग्रुप ऑफ ओबी जो है वो आपके यहाँ पे दो ग्रुप में बांटा गया है, जैसे हम देख चुके हैं फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल्स. फॉर्मल्स ग्रुप जो होते हैं वो आपके इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंड इनफॉर्मल जो होते हैं वो आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इन आपके फॉर्मल्स जो ग्रुप हैं वो आपके फर्दर डिवाइड होते हैं सब यूनिट में. फर्स्ट आपका कमांड ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड कमांड ग्रुप. कमांड ग्रुप में हम बात करेंगे. सपोज दैट आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिविजुअल हु इज़ रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द मैनेजर, सो यू हैव टू डू इट, दैट इज़ टॉकिंग, दैट इज़ आस्किंग, एंड यू हैव टू डू इट इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन, अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड फॉर यू. दैट विल कमांडिंग पावर, इट कॉल इट कमांड. एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप लाइक एक किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को करने के लिए आपको एक टीम बनाई है और उस टीम में इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं और उसमें आपके क्लैशेस होते हैं, तो उस क्लैशेस को बचने के लिए हम एक ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जिनके आइडियोलॉजी जो हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो. सिमिलर इन द सेंस
कि अगर क्लैशेस आते भी हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन पावर इतनी फोकस्ड होनी चाहिए कि आपके अचीव जो गोल है वो इम्पैक्ट ना हो पाए. तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ग्रुप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफॉर्मल ग्रुप में हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि इनफॉर्मल ग्रुप में आप देख सकते हैं कि फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप. फॉर्मल इनफॉर्मल कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप में हम देखते हैं कि टास्क ऑफ ग्रुप एंड फ्रेंडशिप ग्रुप. टास्क ऑफ ग्रुप में क्या होता है कि आपका टास्क जो है वो ग्रुप में परफॉर्म हो रहा है और फिनिश द जॉब ऑफ टास्क. लाइक आप किसी टास्क को रीटेक कर रहे हो और उस पर एनालाइज करके आप अपने रिस्पॉन्स कर रहे हो सीनियर अथॉरिटी को, और सीनियर अथॉरिटी आपके अगर सेटिस्फाइड है तो समझो आपका टास्क कंप्लीटेड है. और उसके एट द पॉइंट आपको हर चीज़ से यानी अलाउंसेस में भी और रिवार्ड्स में भी अप्रिशिएशन प्रोवाइड होगा, जिससे आप क्या करोगे, ऑलवेज मोटिवेट रहोगे और ऑलवेज आपका जो आइडियोलॉजी होगी वो क्रिएटिव बनी रहेगी, जिससे आपको भी और ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होगा. फ्रेंडशिप गोल में आप देख सकते हो कॉमन इंटरेस्ट को लेके, सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है और आप लोगों के कॉमन इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो वर्क प्रोफाइल है यानी आपका गिवन टास्क है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपकी और आपके फ्रेंड की थॉट प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि फ्रेंडशिप ग्रुप में ऐसा होता है कि कॉमन गोल आपको दिया जाता है और उसको कैरेक्टराइज करते हुए आप एवरी लेवल यानी एवरी एस्पेक्ट पे उनको एनालाइज करोगे, तो वो जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा, जो रेसिड्यू निकलेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा. अब यहाँ बात करते हैं डिटर्मिनेंट की. डिटर्मिनेंट आपके जो होते हैं वो थ्री टाइप से होते हैं, और आपका डिटर्मिनेंट का मीनिंग होता है कि आपके बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग आपके वर्किंग प्रोफाइल यानी आपके एनवायरमेंट पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है. तो फर्स्टली हम बात करेंगे पीपल की. पीपल में बात करते हैं कि जैसे डिफरेंट ट्रेड्स रहते हैं, सबकी डिफरेंट पर्सनालिटी एंड स्किल्स भी डिफरेंस रहते हैं, इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है. किसी किसी का तो बिलीव और एटीट्यूड्स भी रहते हैं, जो एथिक्स रहते हैं वो भी डिफरेंस रहते हैं. हम इस बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके एथिक्स वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू डिफरेंट है तो अगर आप एक टीम वर्क में परफॉर्म कर रहे हो तो क्लैशेस ऑलवेज जनरेट होंगे, और क्लैशेस आपके जनरेट होंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गोल अचीव नहीं कर सकते हो. इसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज होगी, प्लस आपका परफॉर्मिंग जो अप्रेजल है वो भी ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा. टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमेशा रिक्वायरमेंट होती है आपके न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अपडेट रहने का. जैसे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली यूजेस यानी आप जो साइंटिफिक अपनी नॉलेज उसमें पुट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ आईटी, उसमें प्रैक्टिकली यूजेस हमेशा होना चाहिए. अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाओगे तो आपकी आईटी का कोई मतलब नहीं होगा. तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि आपका यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी सोर्स यानी साइंस साइट का जो यूटिलाइजेशन होना है वो प्रॉपर होना चाहिए, इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो हमेशा बूम पर और हाइप पर रहेगी. क्यों? क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, जो गोल डायरेक्शन है, वो हमेशा करेक्ट पाथ पे वर्क करता रहेगा अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड की वर्क परफॉर्मेंस सेटिस्फाइंग लेवल पे प्रोवाइड हो रही है. तो इसका एक आप एग्जांपल देखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कराने के लिए एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमारी किस तरीके से इस एम्प्लॉय के थ्रू हो रही है. अगर वो एम्प्लॉय वर्किंग प्रोफाइल में बहुत करेक्ट है और बहुत ही कॉन्शियस है, दैट डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एंड लास्टली इन्वायरमेंट को हम चेक करेंगे तो इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल जो इन्वायरमेंट होते हैं वो आपकी कंडीशन फैक्टर एंड एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं. जैसे आपकी किसी फॉर्म या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी
इंटरनल इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेज में भी इंटरनल वर्क चलता है, अगर उसमें आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी QC एंड QA लाइक क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन है, तो क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट भी सेफ रहेगा एंड प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टोरेज रहेगा। और वो कैसे रहेगा कि आपको एनालाइज करना होगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड ना हो, और डिग्रेड ना होने के साथ साथ प्रोलॉन्ग टाइम तक सफ़र कर पाए। प्रोलॉन्ग टाइम तक सफ़र कर पाएंगे तो उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का सीज़न है, अगर उस सीज़न में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो वो आपके लिए और प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट जनरेट करेगा। बेनिफिट जनरेट करने के साथ साथ आपकी इसमें आइडियोलॉजी भी वर्क करेगी, दैट मीन कि आपने स्पेसिफिक सीजन में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, यानी उस प्रोडक्ट को मार्केट में निकाला है। ओके, लास्टली आई मस्ट से कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसे आप जानते हो बाइंड अप सेशन करने से पहले मैं बता दूं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो प्रॉपरली स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर होती है कि आपके एज अ ह्यूमन बीइंग हर एस्पेक्ट पे एनालाइजेशन हो ताकि आपकी ग्रोथ ऑलवेज बनी रहे, आपके क्रिएटिव माइंडसेट हमेशा बने रहें। आपके क्रिएटिव माइंडसेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसलिए आप हमेशा क्रिएटिव माइंड को यूज़ करें। दैट्स वाई हर एस्पेक्ट पे आपको एक ह्यूमन बिहेवियर देखने मिलेगा। दैट्स वाई मैं ये आपका वीडियो लेक्चर लेके आई थी। एंड आई वुड से लास्टली थैंक यू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल।